स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 1.1 मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। इसको आप लिखते हो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें एक्स जो है वो रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है बेटा पोलर फॉर्म, नंबर वन कॉम्प्लेक्स, नंबर टू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म भी होती है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ये है जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, जिसमें से आपने बेटा याद रखना है कि आर किस तरह से फाइंड करते हैं, जेड मॉड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आर किस तरह से फाइंड करना है, आर इक्वल है जेड मॉड इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है टेन इनवर्स, मॉड भी आप ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम मॉड के साथ करेंगे, कुछ विदाउट मॉड भी कर सकते हैं, तो मॉड के साथ करें, इसमें आपको क्वाड्रेंट भी मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए फॉर्मूला याद रखें बेटा थीटा का, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स और मॉड के साथ। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, कि जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल है थीटा के, और आपने बेटा याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जी जो है इसकी रेंज भी होती है, दैट इज -180 degree टू +180 degree। क्लियर, इसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म है आयलर फॉर्म, आयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज जी इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। ये तीन फॉर्म्स हैं जो आपने डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई आ जाए तो कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं बेटा इसको, पोलर फॉर्म है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है, इसमें आर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारे फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन भी यही है। तो आर किस तरह से फाइंड करना है, जेड का मॉड फाइंड करना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स, और आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल है थीटा के, और आर्गुमेंट ऑफ जी की जो रेंज है वो है -180 to +180। उसके बाद है बेटा आयलर फॉर्म, जी इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज होगी आयलर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन, वन से लेके सिक्स तक कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन लेट करेंगे जी इज इक्वल टू -√3 + iota, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको टू वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, आर एंड थीटा, आर एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले आप आर फाइंड करेंगे, आर फाइंड करने का फॉर्मूला है जेड मॉड इक्वल है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आ जाएगा 3 + 1, दैट इज स्क्वायर रूट 4, दैट इज 2। अब आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले आप थीटा फाइंड करेंगे, और थीटा फाइंड कैसे करना है, दैट इज टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। क्लियर, टेन इनवर्स वाई आपके पास 1 है और एक्स की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 है माइनस में, मॉड की वजह से आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, तो ये आ जाएगा 1 / √3, दैट इज 30 degrees। तो tan इनवर्स 1 / √3 एंगल है 30 degrees, tan 30 होता है 1 / √3, और tan इनवर्स 1 / √3 इक्वल्स टू 30, 30 को आप लिखते हो रेडियन में π/6। क्लियर, अब बेटा ये आपने याद रखना है, थीटा फाइंड करने के फौरन बाद आपने एक देखना है क्वाड्रेंट कि हमारा ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्वाड्रेंट के रिलेटेड। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, ये आइडिया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बेटा अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपने आर्गुमेंट के लिए जस्ट थीटा लिखना है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आपने करना है पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड में हो तो पाई प्लस थीटा, अगर फोर्थ में हो तो 2π - θ। ये बेटा आपने दो चीज़ें याद रखनी है। अब साइन आपने चेक करना है कि आपके गिवन क्वेश्चन में साइन क्या है,
माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे पाई, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखेंगे हम, आर्गुमेंट ऑफ जी इक्वल होता है बेटा पाई माइनस थीटा, थीटा का जो ये आंसर आया पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ओके बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के बाद आप इसकी रेंज को चेक करना है, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड 6 करेंगे, डिग्री में आएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 150। तो 150 डिग्री हमारी रेंज में आता है, माइनस 180 टू प्लस 180 आर्गुमेंट की रेंज होनी चाहिए, क्लियर। आर्गुमेंट ऑफ जी और आर की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप पोलर फॉर्म लिखेंगे, नाउ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बेटा आपको आनी चाहिए जेड इक्वल है आर इंटू कॉस थीटा इसका फॉर्मूला प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आर की जगह आप लिखेंगे 2 और कॉस थीटा की जगह आप ये आर्गुमेंट की वैल्यू लिखेंगे 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 6, क्लियर। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखें, कॉस आयोटा साइन को आप लिखते हो सी आई एस 5 पाई ओवर 6 इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू बेटा हमारे सामने है, इसको हम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 0 माइनस आयोटा, क्लियर। अब इस सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको टू वैल्यूज चाहिए, आर चाहिए, आर कैसे फाइंड होगा, जेड का मॉड फाइंड करेंगे और मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका आंसर 1 आ गया। इसके बाद आप थीटा फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला आपने यूज करना है टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स और इसका मॉड, टैन इनवर्स वाई की जगह आप लिखेंगे माइनस 1 ओवर 0, तो ये बेटा आ गया टैन इनवर्स इन्फिनिटी, मॉड के साथ माइनस नेगेटिव साइन खत्म करें तो ये आएगा 90 डिग्रीज, 90 को आप लिखते हो पाई ओवर 2, क्लियर। अब बेटा थीटा फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस बेटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप यहां लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हो 2 पाई माइनस पाई ओवर 2, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 2 2 4 4 में से 1 माइनस करें तो 3 पाई बाई 2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 3 पाई ओवर 2। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के बाद इसकी रेंज को आपने चेक करना है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं बेटा, पाई की जगह आपने लिखना है 180, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड्स 2 करेंगे तो ये आएगा 270 विच इज़ आउट ऑफ द रेंज। अब आर्गुमेंट की रेंज होती है अप टू 180, तो ये 270 आ रहा है तो आपने लिखना है विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फिर बेटा अगर रेंज से आउट हो जाए तो आपने काम करना है, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जी का जो आंसर आया होगा उसमें से 2 पाई को आपने माइनस करना है हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर, अगर आर्गुमेंट का आंसर आउट ऑफ रेंज आ जाए तो आपने जो भी आंसर आया होगा उसमें से 2 पाई को माइनस करना है, आप उस रेंज में शिफ्ट हो जाओगे, तो ये बेटा आएगा माइनस पाई ओवर 2 एलसीएम लेने के बाद। तो आर्गुमेंट ऑफ जी और आर फाइंड करने के बाद आप पोलर फॉर्म लिखेंगे, नाउ पोलर फॉर्म दैट इज आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करें, आर आपके पास 1 है, थीटा हमारे पास माइनस पाई बाय 2 है प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस पाई ओवर 2, तो ये आ जाएगा सी आई एस माइनस पाई बाय 2 इज आवर आंसर। तो एक पोलर फॉर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी से कॉस, आई से आयोटा और एस से साइन सी आई एस माइनस पाई बाय 2, क्लियर। क्वेश्चन 3, लेट जी इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके बेटा, तो आप सबसे पहले आर फाइंड करेंगे, जेड मॉड फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स आ गया 1 प्लस 3 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट और नेगेटिव साइन कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। आर फाइंड करने के बाद आप थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई की जगह आप लिखेंगे बेटा माइनस स्क्वायर रूट 3
ओवर माइनस वन, माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो गए, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री का बेटा एंगल होगा इसमें 60 डिग्रीज, और 60 को आप लिखते हो पाई ओवर थ्री, ये हमारा थीटा आ गया। अब थीटा फाइंड करने के बाद आपने क्वाड्रेंट देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहां लिखें थीटा फाइंड करने के बाद, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जी कैसे फाइंड करना है आपने, थर्ड क्वाड्रेंट में आप करते हो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई ओवर थ्री, तो ये आएगा 4π/3। आर्गुमेंट फाइंड करने के बाद आपने रेंज जरूर चेक करनी है बेटा, 4π/3, 4 × 180 / 3 दैट इज 240, अगेन आउट ऑफ रेंज, जो आर्गुमेंट की रेंज है वो अप टू 180 है, तो ये हमारे पास आउट ऑफ रेंज है। तो अभी मैंने आपको गाइड किया है कि जब भी आउट ऑफ रेंज आ जाए तो आपने जो भी आंसर आया होगा आर्गुमेंट का उसमें से 2π को हमेशा माइनस करना है। तो आप इधर लिखें बेटा विच इज़ नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये कमेंट लिख दें आप, विच इज नॉट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए अब क्या करेंगे, जो भी आंसर आया 4π/3 इसमें से आप माइनस करेंगे बेटा 2π, क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, तो −2π/3, ये हमारा रेंज में शिफ्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, 2 × 180 / 3 That is 120 degrees, ठीक है। अब ये हमारा आर्गुमेंट है और आर भी आ गया, पोलर फॉर्म लिखेंगे। नाउ पोलर फॉर्म दैट इज जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर बेटा आपके पास 2 है और थीटा की वैल्यू, ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू है 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ओके स्टूडेंट्स, 2 CIS −2π/3 इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, 5 का बेटा हिंट दे रहा हूं। 5, लेट z इक्वल्स टू क्वेश्चन 5 बेटा −2 + 2 iota इंटू 1 − iota, ये क्वेश्चन 5 है बेटा। इसको जस्ट मैं हेड दे रहा हूँ, आगे आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, जस्ट आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें −2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये आ गया −2 + 2 iota, फिर 2 iota को दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो +2 iota − 2 iota² इधर आएगा −2 + 4 iota, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है −1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू −1 है, तो ये बेटा इसकी वजह से साइन चेंज करेंगे हम, −2 + 4 iota + 2, 2 कैंसिल, 0 + 4 iota, ये बन गया सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे से बेटा आप खुद इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 बेटा हमारे सामने है, इसको पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट के साथ। तो 5 − 3 iota का कॉन्जुगेट है 5 + 3 iota, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 + 3 iota। इसके बाद बेटा ऊपर आ जाएगा आपके पास, इसको लेट जी भी कर लें, −34 iota × 5 + 3 iota, डिवाइड में आएगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो a − b × a + b, a² − b², क्लियर, फॉर्मूला क्लोज किया, 34 iota 5 + 3 iota एज इट इज़, नीचे 25 − 9 iota² आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू −1, तो इसलिए ये साइन चेंज होगा स्टूडेंट्स, 25 + 9 −34 iota × 5 + 3 iota डिवाइड्स 34 कैंसिल, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा को अंदर शिफ्ट करें तो −5 iota − 3 iota² 34 कैंसिल हो गया हुआ है। अब फिर आयोटा स्क्वायर साइन चेंज करेगा, −5 iota + 3, तो इसको स्टूडेंट्स आप अरेंज करके अगर आप लिखें तो z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 − 5 iota, क्लियर।
अब ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है इन कार्टेशियन फॉर्म, आप इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे इनटू पोलर फॉर्म। उसके लिए आप आर फाइंड करेंगे, आर का फॉर्मूला है जेड मॉड आई कंपोनेंट स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 9 + 25 दैट इज इक्वल्स टू 34, स्क्वायर रूट 34। नाउ वी फाइंड थीटा। थीटा फॉर्मूला आपके ने याद रखना है, टैन इनवर्स y बाय एक्स मॉड के साथ, टैन इनवर्स y हमारे पास -5 है ओवर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं 5/3, इसमें कोई एंगल फाइंड नहीं हो सकता, टेबल का एंगल ट्रिग्नोमेट्री टेबल 30 आए 45 आए 60 आए 90 आए, फिर आप ये लिख लें, अदरवाइज इसको आप एज इट इज छोड़ दें। अगर आपके पास कोई एंगल आता है फिर आप मॉड लें, अगर आपके पास एंगल नहीं आ रहा प्रॉपर तो फिर आप मॉड ना लें, इसको विदाउट मॉड के साथ करें, ठीक है, क्योंकि आंसर में भी यही लिखा हुआ है विदाउट मॉड। तो मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूँ कि आपने मॉड कब यूज़ करना है, जब आपके पास प्रॉपर कोई यहाँ पे एंगल आ रहा हो, एग्जैक्ट एंगल 30, 45, 60, 90 degrees, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे मॉड की वैल्यू को यूज़ करना है। जब इसकी वैल्यू नहीं आएगी, एंगल नहीं आएगा, तो आपने फिर क्वाड्रेंट को भी नहीं देखना, आपने जस्ट इसी को आर्गुमेंट यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब आप पोलर फॉर्म लिखेंगे, नाउ R इंटू कॉस थीटा, इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट याद रख लें आप, R की जगह बेटा आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 34, थीटा की जगह आप यही आर्गुमेंट यूज करेंगे, टेन इनवर्स -5/3 प्लस आयोटा साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स -5/3। क्लियर, अब आप इसे लिख सकते हैं CIS टेन इनवर्स -5/3 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, सिर्फ इस क्वेश्चन में आप मॉड ना लें, ठीक है, बाकी तमाम क्वेश्चन में आप मॉड यूज करें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 7-10 हमारे पास, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में आपने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी पार्ट है हमारे पास, 2 CIS 5/6। स्टूडेंट्स पहले कार्टेशियन फॉर्म थी, आपने इसको पोलर में लिखा, पोलर है, आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो। आप बेटा इसको ऐसे लिखेंगे 2 × cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ओके, अब कॉस π/6 होता है 30 degrees, कॉस 30 degree की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 degree की वैल्यू है 1/2। अब आप इसका एलसीएम लें, दैट इज 2, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, 2 के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इज आवर फाइनल आंसर इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, क्वेश्चन 8 बाहर है हमारे पास, 5 CIS 3π/4। ओके स्टूडेंट्स, 5 × इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। क्लियर, अब आपके पास ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये एंगल क्या है, विच इज आई थिंक सो 135, 3 × 180 डिवाइड्स 4, दैट इज 135। अब कॉस 135 की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस 135 ये होता है बेटा -1/√2, और साइन 135 चेक करते हैं, साइन 135 विच इज इक्वल्स टू 1/√2 पॉजिटिव। ओके बेटा, कैलकुलेटर से इसकी जो एंगल आपको मुश्किल कर रहा है आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड करें। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों के पास ये कैलकुलेटर्स हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है कैलकुलेटर पे, कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर ये नहीं, वो ब्लैक कैलकुलेटर है, उस पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती। अगर इसका मॉड भी स्टैट पे हो तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं आती। तो अगर आपके पास ब्लैक कलर के कैलकुलेटर्स हैं तो वो भी मैं सिखा देता हूँ कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 135, तो आपने लिखना है कॉस 135 इक्वल करें, माइनस का साइन आएगा, आप माइनस पहले ही लिख लें, फिर जो भी आंसर आएगा उसका बेटा आपने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के बाद यहाँ पे एक बटन होगा ABC का, आपने उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका कंप्लीट आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2।
क्लियर, एक बार दोबारा सुन लें। जैसे साइन 135 है और आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, साइन 135 लिखेंगे, इसका बेटा स्क्वायर लेंगे और एबीसी के बटन को प्रेस करेंगे, और जो आंसर आएगा प्रेस करने के बाद उसका कंप्लीट आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, ओके, ये उनके लिए मैंने बात बताई जिनके जिनके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती। क्लियर, अब बेटा इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, दैट इज स्क्वायर रूट 2, ऊपर आ गया -1 + iota, माइनस कॉमन ले लें, -5/√2, 1 - iota इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। 5 CIS π/3/2, बुक पे 5 लिखा हुआ है, आप वो रॉन्ग लिखा हो बेटा, उसको रेज करके यहाँ पे 2 लिख दें, 2 CIS π/2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, 5 CIS को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, cos π/3 + iota sin π/3, डिवाइड्स में आएगा आपके पास 2 cos π/2 + iota sin π/2। क्लियर, इसके बाद आप इसकी टेबल की वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यूज करेंगे, cos π/3 होता है 30 degrees, तो cos π/3 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1/2, और sin 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2। ये वैल्यूज कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, cos 90 = 0 और sin 90 = 1। अब बेटा ऊपर आ गया आपके पास, आप ये 2 iota जो है ये 2 के साथ लिख दें, 2 iota, और अंदर हमारे पास इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दैट इज़ 2 1 + √3 iota। क्लियर, अब बेटा आपके पास ये आ गया 5 × 1 + √3 iota, डिवाइड्स 2 × 2 = 4 iota। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, आप याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो आपने एक स्टेप यहाँ पे याद रखना है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें और आयोटा से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। ऊपर बेटे आ गया आपके पास, ऊपर वाले आयोटा को अंदर ब्रैकेट के शिफ्ट करें, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 iota square। अब बेटा आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो 5 × iota, तो ये आयोटा स्क्वायर इसका साइन चेंज करेगा क्योंकि ये -1 के इक्वल है, और नीचे भी आ जाएगा 4 × -1। क्लियर, फाइनल स्टेप्स बेटा, 5 - iota - √3 ओवर 4। ओके, ये माइनस को भी अंदर शिफ्ट करें तो 5/4, तो ये साइन चेंज होके √3 पहले लिख लें, आयोटा का साइन चेंज होके इसको बाद में लिख लें। ये बेटा हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं, फाइंड जेड मॉड, एब्सोल्यूट साइन आपने जेड का फाइंड करना है, ठीक है, जबकि फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट, z इक्वल है बेटा हमारे पास -2 iota × 1 + iota × 2 + 4 iota × 3 + iota, ये क्वेश्चन है। हाँ, आपने इसका एब्सोल्यूट साइन फाइंड करना है, मीन z मॉड फाइंड करना है, तो बहुत इजी है बेटा, z मॉड आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या आप इसका अलग अलग मॉड लेके लास्ट पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, तो अलग अलग कर लें वो ज़्यादा ईजी है। इसमें रियल पार्ट नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं, 0 - 2 iota का मॉड, 1 + iota का मॉड, 2 + 4 iota का मॉड और 3 + iota का मॉड। अब मॉड कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास 4, इधर आ गया 2, इधर आ गया √4 = 16 = 20 और इधर आ गया आप 10। अब बेटा इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, चारों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं एक ही स्क्वायर रूट में, करके इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 × 20 × 10, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600, तो फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 40। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 × 2 × 20 × 10,
ये 1600, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 40 इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट बेटा इसका आप खुद करेंगे, उसमें अलग अलग मॉड फाइंड करें, बाद में इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। 12 बेटा इंपॉर्टेंट है, शो दैट z इक्वल्स टू a प्लस iota b इज रियल इफ एंड ओनली इफ, या ईडब्ल्यूएफ इफ बी इसको लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स टू z बार। और सेकेंड पार्ट है प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार। बेटा याद रखें मैथमेटिक्स में जब भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो फिर दो बातें हो गई, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ से सेकेंड पार्ट है। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो आपने इफ एंड ओनली इफ से पहले फर्स्ट पार्ट को लेके सेकेंड को प्रूव करना है, फिर सेकेंड पार्ट को लेके फर्स्ट को प्रूव करना है, मीन कन्वर्सली भी आपने चलना होता है। तो दोबारा सुन ले, जब भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो इससे पहली वैल्यू से सेकंड प्रूव करनी है और फिर सेकंड वैल्यू से फर्स्ट को प्रूव करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास z गिवन है, दैट इज a प्लस आयोटा b, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, दैट इज a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब बेटा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, रियल z इक्वल्स टू a प्लस एटा b इज रियल। मैं रियल फर्स्ट लेके सेकंड प्रूफ कर रहा हूं, तो टेक z इक्वल्स टू a प्लस एटा b इज रियल। स्टूडेंट्स ये रियल कब आएगा, आप मुझे ये बताएं कि z इक्वल्स टू a प्लस एटा b रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो बाकी क्या बचेगा, a, तो a इज रियल पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल रियल तब होगा, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू जीरो। तो ये रियल तब होगा जब b की जगह क्या होगा, जीरो। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपने फर्स्ट और सेकेंड में पुट करनी है। इधर आप लिखें पुट इन वन एंड टू। बेटा वन में जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा a प्लस आयोटा इंटू जीरो, मीन a आ गया। फिर बेटा आप टू में भी पुट करें a माइनस आयोटा इंटू जीरो, दैट इज a। तो देखें बेटा ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया। फर्स्ट लेकर रियल लिया मैंने, इक्वल प्रूफ किया, अब इक्वल लेंगे रियल प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली भी चलेंगे। ये आपने प्रोसेस तब करना होता है जब इफ एंड ऑन लिफ आ जाए। कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, z इक्वल है z बार के, अब z की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, दैट इज a प्लस आयोटा b और माइनस सॉरी a माइनस आयोटा b। क्लियर, अब इन वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आए, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू जीरो। तो ये स्टूडेंट्स a से कैंसिल, 1 प्लस 1 टू आयोटा b इक्वल्स टू जीरो, b इक्वल्स टू जीरो बाय टू आयोटा, दैट इज जीरो। अब इस जीरो को आप इम्प्लाइज कर दो इक्वेशन 1 में, मीन z के अंदर। तो इसको आप z में अप्लाई करोगे, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू जीरो, दैट इज a। तो a क्या है, रियल, तो इसका मतलब z रियल आ गया। ठीक है, नीचे आप कमेंट लिख दें बेटा, दैट इज अ रियल पार्ट, दैट इज रियल नंबर या रियल पार्ट, रियल नंबर लिख लें। क्लियर, दोबारा भी ये पॉइंट गौर से सुनना बेटा, इफ एंड ऑल इफ जब भी आ जाए तो इससे पहली बात लेके सेकेंड प्रूफ करें और फिर सेकेंड लेके फर्स्ट प्रूफ करें। मैंने रियल लिया, इक्वल प्रूफ किया, फिर इक्वल लिया, रियल प्रूफ किया। क्लियर, सेकेंड पार्ट में प्योर इमेजिनरी, सेकेंड पार्ट प्योर इमेजिनरी, जेड इज प्योर इमेजिनरी। तो z इज प्योर इमेजिनरी, इफ एंड ओनली इफ से पहले है प्योर इमेजिनरी। तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी ये कब होगा स्टूडेंट्स, इंप्लाइज दैट जब a जीरो होगा। भाई जब a जीरो आप पुट करेंगे तो बाकी बचेगा आयोटा b, दैट इज प्योर इमेजिनरी। तो ये कंडीशन है, उसी तरह से ये कंडीशन 1 और 2 में पुट करें, पुट इन 1 एंड 2। वन में जब आप अप्लाई करेंगे, ए की जगह आप जीरो लिखेंगे, जीरो प्लस आयोटा बी, दैट इज आयोटा बी। एंड फिर आप टू में पुट करेंगे, जीरो माइनस आयोटा बी, दैट इज माइनस आयोटा बी। ये जो सेकंड वाला है जेड बार इक्वल्स टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा दें माइनस से, या ये माइनस आप लेफ्ट साइड पे ले आए, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा बी इक्वल्स टू माइनस जी।
अब आयोटा बी आपके पास है दैट इज जेड, तो आप इसकी जगह जी लिख दें, जी माइनस जी इक्वल्स टू माइनस जी बार, तो ये प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, ये प्योर इमेजिनरी लेके मैंने इनको इक्वल प्रूफ किया, आप इक्वल लेके प्योर इमेजिनरी प्रूफ करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, कन्वर्सली सपोज या टेक करेंगे हम z इक्वल्स टू माइनस जी बार, अब z की वैल्यू पुट करें दैट इज a प्लस आयोटा b, और z बार की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, माइनस की वजह से साइन चेंज करें, माइनस a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b इक्वल्स टू जीरो, ये कैंसल, 2a इक्वल्स टू जीरो, तो a का आंसर क्या आ गया, जीरो। क्लियर, अब इस a को आप z में अप्लाई करोगे तो z इक्वल्स टू ए की जगह जीरो प्लस आयोटा बी, आंसर इज आयोटा बी। अब आयोटा बी का मतलब है प्योर इमेजिनरी, दैट इज i का मतलब क्या होता है, दैट इज प्योर इमेजिनरी। नीचे लिखते हैं बेटा हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन 13 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 है प्रूफ दैट, इसमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। कहते हैं इस Z1 प्लस Z2 का होल मॉड की लीस्ट वैल्यू ये है और ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, आपने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आएंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं, इधर से शुरू कर लेते हैं बेटा प्रूफ। अच्छा, हम सबसे पहले लास्ट टू वैल्यूज को प्रूफ करेंगे, यहाँ पे एक हम रेफरेंस कोट करेंगे, एक रेफरेंस देंगे कि Z1 प्लस Z2 होल मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 इनटू, ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, Z1 प्लस Z2 मॉड। प्रॉपर्टी का बेटा रेफरेंस आप लिख दें कि z का मॉड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है z बार। क्लियर, तो यही प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने कंसीडर किया z1, z की जगह मैंने लिखा z1 प्लस z2, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, पहले हम लास्ट टू वैल्यूज को प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इसको आप कंसीडर कर लें। क्लियर, इसके बाद स्टूडेंट्स ये एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो बार है ये आप अलग अलग लिख लें, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार, ये बार मैंने दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग किया, आप कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करें Z1 को दोनों वैल्यूज के साथ, तो ये आएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। क्लियर, फिर Z2 को दोनों के साथ, तो ये आएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। क्लियर, अब यहां पे आप दोबारा से ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, Z और Z बार को आप लिखते हो Z मॉड का स्क्वायर या Z एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और ये बेटा एक प्रॉपर्टी याद रखें, यहां पे हम इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल होता है बेटा टू रियल वैल्यू, यानी इसका जो आंसर आता है वो हमेशा टू रियल वैल्यू, इन दोनों की जो रियल वैल्यू है इनको जो ऐड करके आता है Z1 बार। इसको आप प्रूफ करना चाहें इस प्रॉपर्टी को तो प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी के लिए याद रख लें, आप दो वैल्यूज लें अपने पास से, टू कॉम्प्लेक्स नंबर लें, एक Z1 ले लें, एक Z2 ले लें अपने से, दोनों का बार फाइंड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो रियल आंसर आएगा, कभी भी इन दोनों में से इमेजिनरी आंसर नहीं आएगा। तो आपने बेटा ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो आंसर हमेशा इसका टू रियल वैल्यू आएगी, जो इसमें रियल वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रियल वैल्यू है आपके पास 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा, मीन 16 आंसर आएगा। क्लियर, तो इन दोनों को भी आप इस प्रॉपर्टी के तहत आप लिखें Z2 मॉड एब्सोल्यूट साइन का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये देखें प्रॉपर्टी का रेफरेंस मैं पहले दे रहा हूँ कि रियल वैल्यू ऑफ z का जो मॉड है, या ऐसे ही रियल वैल्यू ऑफ z भी आप लिख सकते हैं विदाउट मॉड, ये बेटा इक्वल लेस इक्वल होता है z के मॉड से, लेस या इक्वल आएगा z के मॉड से।
इसका बेटा प्रॉपर्टी का अगर प्रूफ करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हैं। चले मैं आपको इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जेड की वैल्यू है 3+2 iota, इसमें आप रियल वैल्यू ऑफ जेड टेक करें, दैट इज 3, रियल पार्ट जो है वो 3 है। अब आप जेड का जो मॉड फाइंड करें, जेड का मॉड आपके पास आएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस हमारे पास आएगा बेटा 4, तो टोटल इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 13। अब स्क्वायर रूट 13 देखते हैं बेटा, इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट 13 तो ये इक्वल आएगा आपके पास 3.60। तो अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो रियल z का मॉड ले लें, ये वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी z के मॉड से, ये 3 है ये 3.60 है, इसका मतलब ये वैल्यू रियल वैल्यू ऑफ z जो है वो हमेशा लेस इक्वल होती है z मॉड के। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करेंगे, जब आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो साइन लिखेंगे लेस इक्वल, ठीक है। तो 1 का ये एज इट इज प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 2 और इसको आप मॉड में लिख लें z1 z2 mod, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की, प्लस z2 mod का स्क्वायर एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद z1 mod का स्क्वायर प्लस 2, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो z1 mod और z¹1 का मॉड प्लस z2 square mod एज इट इज, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लिख दें, जो जो आप साथ कर रहे हैं साथ साथ प्रॉपर्टी का रेफरेंस देते जाएं, आपके मार्क्स पूरे आएंगे बेटा। तो यहाँ पे आप ये जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है z1 z2 equal whole mod इक्वल होता है z1 mod और z2 mod, क्लियर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, z1 mod का स्क्वायर प्लस 2 z1 absolute और z mod इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के मॉड के, तो कॉन्जुगेट की जगह आप सिंपल z लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल, प्लस z2 mod का स्क्वायर। अब बेटा आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट है, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये फार्मूला कंप्लीट है a² + 2ab + b², फार्मूला ओपन है, आप इसे क्लोज करें। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू है z1 + z2 mod का स्क्वायर लेस इक्वल, ये साइन लेस इक्वल, ये इक्वल जस्ट इस 2 के स्टेप थे, तो ये आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे z1 mod + z2 mod या एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी z1 + z2 whole mod एब्सोल्यूट वैल्यू, लेस इक्वल है z1 absolute + z2 absolute। ये देखें बेटा लास्ट 2 वैल्यूज हमने प्रूव कर दी, इसको आप इक्वेशन 1 कह के तो यहां पे रोकेंगे। नाउ कि z1 mod को आप लिख सकते हो z1 + z2 - z2, मीन z1 और z2 mod को आप लिख सकते हैं z1 + z2 z2 को आपने अपने से प्लस भी किया और माइनस भी किया, क्लियर। इसके बाद बेटा आप जब होल मॉड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेस इक्वल z1 + z2 + -z2 whole mod, क्लियर। ये प्रॉपर्टी आपने इधर लिखनी है, मैं आपको इधर समझा देता हूं। ये आपने बेटा 1.1 कैलकुलस SM यूसुफ में पेज नंबर 5 पे ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, आप इन प्रॉपर्टी को वहां पे देख लें, ये सेकेंड जो पार्ट है। तो आपने बेटा याद रखना है कि आपके पास z1 या z2 लिख लें, ठीक है, z1 + z2 mod इज ऑलवेज लेस इक्वल z1 + z2, यानी जब आप होल मॉड को ब्रेक करते हो तो वो वैल्यू जो है एब्सोल्यूट की वो हमेशा लेस इक्वल होगी z1 + z2 mod से। तो यहां पे मैंने लिख दिया लेस इक्वल का साइन, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी बेटा आपने जरूर लिखनी है साथ, तो z1 mod, अब इस वैल्यू में से आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये आपके पास आएगा z2 absolute, ठीक है। तो जो वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर होती है उसका बेटा जो आंसर है वो हमेशा इक्वल आता है पॉजिटिव वैल्यू के, तो आपने माइनस z2 की जगह एब्सोल्यूट साइन ने माइनस को ख़त्म कर दिया, तो ये खाली ये z2 आ गया। अब आप इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें, z1 mod - z2 mod लेस इक्वल z1 + z2 whole mod,
इक्वेशन नंबर टू, इसके बाद आपने इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग जेड वन एंड जेड टू, तो जेड वन की जगह आपने जेड टू लिख देना है और जेड टू की जगह आपने जेड वन लिखना है। राइट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जी टू प्लस जी वन। ओके स्टूडेंट्स, जी टू एब्सोल्यूट, जी वन एब्सोल्यूट, लेस इक्वल, तो ये प्लस है, जो मर्जी पहले लिखें, जेड वन प्लस जेड टू आप अरेंज करके लिख लें। अब बेटा ये वैल्यू आप लेफ्ट साइड, तो ये इधर आके नेगेटिव साइन हो गया इसका, लेस इक्वल, ये दोनों राइट साइड पे ले जाएं, तो जेड वन माइनस जेड टू अरेंज करके बेटा मैंने लिख दिया, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपने इक्वेशन नंबर टू और थ्री को कंबाइन करना है स्टूडेंट्स, तो यहां लिखें फ्रॉम टू एंड थ्री, इनको कंबाइन करके लिखें। सबसे पहले आप थ्री वाली इक्वेशन लिखें, माइनस जेड वन प्लस जेड टू लेस इक्वल है जेड वन एब्सोल्यूट माइनस जेड टू एब्सोल्यूट, और जेड वन एब्सोल्यूट जेड टू माइनस जेड टू एब्सोल्यूट लेस इक्वल है जेड वन प्लस जेड टू के। तो बेटा इन दो इक्वेशंस को मैंने कंबाइन करके लिखा, पहले मैंने इक्वेशन थ्री लिखी कि ये वैल्यू इससे लेस है, और ये देखें ये है तो ये वैल्यू इससे लेस है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे जो कॉमन थी वो दरमियान में आ गई, तो ये वैल्यू बेटा इससे लेस है, तो यहाँ पे ये टू वैल्यूज आपने लिख दी, तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसको सेंटर में लिखते हैं। अब बेटा एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपने इसके सामने यूज़ करना है इसका, ये भी कैलकुलस में पेज नंबर फाइव पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा, माइनस ए से लेकर किसी वैल्यू की रेंज है प्लस ए तक, तो इसको मॉड नोटेशन में लिखना हो तो इसको लिखते हैं दरमियान वाली वैल्यू का होल मॉड लेस इक्वल पॉजिटिव वैल्यू। ये हमने प्रूफ की हुई है प्रॉपर्टी कैलकुलस पेज नंबर फाइव पे, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे दरमियान वाली वैल्यू का होल मॉड लेस इक्वल है जस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसको बेटा आप कहें इक्वेशन नंबर फोर फाइनल स्टेप। अब आप इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर फोर को कंबाइन करेंगे जैसे हमने इक्वेशन टू और थ्री को कंबाइन किया था, तो हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूफ करना था वो बेटा आ जाएगा। अब आप लिखें यहां पे फ्रॉम वन एंड फोर, वन और फोर से पहले आप फोर को लिखें, ये वैल्यू इससे लेस है, जेड वन मॉड माइनस जेड टू मॉड का होल मॉड, ये लीस्ट वैल्यू है, लेस इक्वल है जेड वन प्लस जेड टू होल मॉड, और जेड वन प्लस जेड टू होल मॉड लेस इक्वल है इसके, जेड वन मॉड सेपरेट प्लस जेड टू मॉड, यही बेटा हमने प्रूफ करना था, नीचे आप लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, क्वेश्चन 13 कंप्लीट। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हमारे सामने है, जेड वन की वैल्यू गिवन है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म में, और जेड टू के मॉड की वैल्यू गिवन है दैट इज 6। सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, हमने फाइंड करना है जेड वन और जेड टू की होल मॉड की लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अभी बेटा आपने प्रूफ किया है थ्योरम प्रॉपर्टी प्रूफ की है आपने क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे और इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो राइट साइड पे है, आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आप जेड वन जो है इसका मॉड खुद फाइंड करोगे, तो मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता है रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। इसका बेटा स्क्वायर लेते हैं, 24 का हमारे पास जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 576 और इसका 49। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 25। 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 एंड जेड टू मॉड की वैल्यू उसने बेटा खुद दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 6। अब बहुत आसान है, नाउ आप ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू पहले फाइंड कर लें, लीस्ट वैल्यू ऑफ जी वन प्लस जी टू, इसकी लीस्ट वैल्यू जो आपने प्रॉपर्टी प्रूफ की है क्वेश्चन 13 में उसकी लीस्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए दैट इज जेड वन मॉड माइनस जी टू मॉड होल मॉड, ये लीस्ट वैल्यू का बेटा फार्मूला है। तो जेड वन मॉड आपके पास है 25 इसकी वैल्यू और ये गिवन है दैट इज 6, तो इसका आंसर आ गया 19 मॉड, 19 का मॉड 19 होगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू का बेटा फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, जी वन मॉड प्लस जी टू मॉड एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, इसका आंसर है 25 प्लस 6 दैट इज 31।
क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट Z1 प्लस Z2, यहां भी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे क्वेश्चन 15 में, हमने शो दैट करना है Z1 प्लस Z2 होल मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉड का स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ये बेटा हमने प्रूफ करना है, मॉड का स्क्वायर। ओके, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे जो आपने क्वेश्चन 13 में भी की हैं। मैं यहाँ पे रेफरेंस भी लिख देता हूँ प्रॉपर्टी का। हमारे पास स्टूडेंट्स Z मॉड स्क्वायर इक्वल होता है Z बार, एक बार ऐसे ही और एक बार इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये बेटा मैं यूज़ करने लगूँ यहाँ पे, इसको एक बार एज इट इज़ लिखेंगे Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में और एक बार कॉन्जुगेट में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, प्लस इसको बेटा एक बार एज इट इज़ और एक बार कॉन्जुगेट में Z2 माइनस Z2 बार। अब ये बार दोनों के ऊपर आप सेपरेट कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z2 माइनस Z2 बार। इस पे भी आप बार को बेटा अलग, सॉरी इस पे बार नहीं है, ये एज इट इज़ है, Z2 बार और माइनस Z2 बार। क्लियर? यहाँ पे आपके पास है Z1 और यहाँ भी Z1 और इधर भी और फर्स्ट पे Z1 है। क्लियर? अब सिंपल है बेटा, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, सारी वैल्यूज कैंसिल होकर राइट साइड हमारा आंसर आएगा इंशाल्लाह। Z1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, Z1 बार, फिर इसको इससे करें Z2 बार, फिर बेटा इसको इससे Z1 बार प्लस Z2 बार, फिर इन दो ब्रैकेट्स को Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर बेटा इसको इससे माइनस Z2 और Z1 बार माइनस माइनस प्लस Z2 बार। क्लियर? अब देखें बेटा कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, आप उनको कैंसिल करें, जैसे कि Z1 Z2 बार कैंसिल, Z2 Z1 बार, ये एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? अब बेटा टू वैल्यू सेम है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये सेम है, इनको आप ऐड करके लिखें 2Z1 बार, उसके बाद ये टू वैल्यूज भी सेम है, लास्ट वाली 2Z2 बार। ओके, टू टेकिंग कॉमन, इनको आप उसी फॉर्म में लिखें, मॉड की फॉर्म में लिखें, तो इसको आप मॉड की फॉर्म में लिखोगे तो Z1 बार का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ चुका है, Z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव दैट ये 1 के इक्वल आएगा जबकि Z मॉड इक्वल है 1 के, तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड AZ प्लस B डिवाइड्स B बार Z प्लस A बार। इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जो होल मॉड है इसको ऊपर अलग कर दें और नीचे वाली वैल्यू पे अलग लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का रेफरेंस आप साथ लिख दें कि Z1 Z2 होल मॉड की वैल्यू इक्वल होती है बेटा Z1 मॉड ओवर Z2 मॉड। क्लियर? इसके बाद AZ प्लस B ऊपर एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल बार लिख सकते हैं मॉड। रेफरेंस बेटा बता दें प्रॉपर्टी का कि Z मॉड का जो या बार का जो मॉड है वो इक्वल होता है Z मॉड के, तो Z मॉड को आपने लिखा Z बार, दोनों का आंसर इक्वल है इसलिए आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो बार है ये दोनों के ऊपर अलग अलग करें, ये ऑलरेडी एक बार है B के ऊपर तो डबल बार आ जाएगा और Z के ऊपर सिंगल बार, A के ऊपर ऑलरेडी बार है तो ये डबल बार। अब यहाँ पे AZ प्लस B डिवाइड्स में B आ गया Z बार प्लस A,
ये भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि जी डबल बार इक्वल है जी के, क्लियर। अब इस स्टेप के बाद आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जेड मॉड से, ठीक है, ये बेटा स्टेप पे याद रखें, ऊपर मल्टीप्लाई किया ए जी प्लस बी डिवाइड्स, नीचे भी मल्टीप्लाई किया जेड मॉड से बी जेड बार प्लस ए। अब नीचे वाले जेड को आप अंदर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एज इट इज ए जी प्लस बी डिवाइड्स में आ गया बेटा जेड इसके साथ आएगा तो बी जेड जेड बार प्लस ए जेड मॉड एक ही दफा लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल स्टेप्स। अब जी जी बार को आप कैसे लिखते हो मैं यहां पे बता रहा हूं, जी जी बार जो है ये इक्वल होता है जी मॉड का स्क्वायर, और जी मॉड गिवन है वन, वन का स्क्वायर दैट इज वन, यहां पे इसका आंसर वन आ गया, तो आप इसको b इंटू वन लिख दें प्लस ए जी, तो ऊपर z मॉड a प्लस बी एब्सोल्यूट साइन, और नीचे बेटा इसको अरेंज करके लिखें तो ए जेड प्लस बी एब्सोल्यूट, ये वैल्यूज कैंसिल, z मॉड इक्वल्स टू वन, क्योंकि z मॉड इक्वल है किसके, वन के, क्योंकि z मॉड इक्वल है वन के, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशन। 10 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह मैं 10 के 10 आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। लोकस का इसमें बेटा मीनिंग एक तो पाथ होता है, एक इसमें है कि कौन सी इक्वेशन आएगी, और जो भी इक्वेशन आएगी उसके आपने पॉइंट्स भी बताने हैं। ओके बेटा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी की जगह आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव होल एब्सोल्यूट मॉड। ओके, रियल पार्ट अलग करें और बेटा इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट साइन है, मीन मॉड है, तो आप मॉड कैसे ओपन करते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस y के साथ आप लिख सकते हो जीरो वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 36। मजीद इसको ऐसे लिख लें बेटा x माइनस फाइव स्क्वायर, ये जो इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है ये बेटा सर्कल की इक्वेशन है, आपने सर्कल की इक्वेशन को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लासेस में, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो लोकस है ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो बेटा क्या होता है, ए और बी सेंटर होता है, मीन ये जो x के साथ जो वैल्यूज़ हैं माइनस में ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, तो आप यहाँ पे लिख दें थस द लोकस इज अ सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर है बेटा 50 एंड रेडियस इसका 6 है, रेडियस इज 6, ये फाइनल आंसर है। ओके बेटा, सेकंड पार्ट, z की जगह सॉल्यूशन पे आएंगे तो z की जगह इसकी बेटा वैल्यू लिख दें x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा होल मॉड ग्रेटर इक्वल 1। अब x इन दोनों में से आयोटा कॉमन लें लास्ट टू वैल्यूज में से, तो x प्लस अंदर आ जाएगा y माइनस टू और आयोटा कॉमन होल एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसका मॉड है तो मॉड आपको ओपन करना आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ग्रेटर इक्वल 1। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, इधर बेटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1। अब आप इसको ऐसे लिख दें x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस टू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1। तो ये भी बेटा सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं इक्वल का मतलब या तो सर्कल के ऊपर हैं या सर्कल के आउटर हैं, ग्रेटर का मतलब आउटर हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, थस द लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन और आउटसाइड, इक्वल के लिए ऑन और ग्रेटर के लिए आउटसाइड द सर्कल, क्लियर बेटा, समझ आ गई है, टू सर्कल के थे। नेक्स्ट, रियल ऑफ z प्लस टू इक्वल है वन के, तो रियल वैल्यूज को आपने टेक करना है, z की जगह आप लिखें x प्लस आयोटा y
प्लस टू इक्वल्स टू वन, इसको बेटा अरेंज करके लिखें, x प्लस टू रियल पार्ट है और आयोटा y जो है वो बेटा इमेजिनरी पार्ट है। आपने जस्ट रियल वैल्यू को टेक करना है, तो रियल वैल्यू आपके पास है x प्लस टू, दैट इज x प्लस टू इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू ये बेटा आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास है z प्लस टू इक्वल माइनस वन के है बेटा, सॉरी यहाँ से माइनस वन है तो राइट साइड पे माइनस वन माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, क्लियर। तो आपने क्या लिखना है, थस द लोकस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वर्टिकल लाइन। x की वैल्यू आएगी तो आपने वर्टिकल लाइन लिखना है, वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू माइनस थ्री। वर्टिकल लाइन कैसे बनेगी बेटा, जैसे आपको पता है थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं, ये हमारे पास x की पॉजिटिव साइड, इधर x की नेगेटिव साइड, तो x की नेगेटिव साइड में ये वैल्यू है दैट इज माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहां पर आएगा तो इसकी लाइन आप वर्टिकली शो करेंगे, क्लियर, इसलिए वर्टिकल लाइन। एक्स की वैल्यूज आए, एक्स की वैल्यू आपके पास आए तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन शो होगी, और अगर वाई की वैल्यू, इसमें वाई की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो लाइन जो है हॉरिजेंटल होंगी, क्लियर। थस द लोकस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वर्टिकल लाइन, इधर वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। ओके बेटा फोर्थ पार्ट, इसमें भी रियल वैल्यू को टेक करना है, तो जेड कॉन्जुगेट आपके पास है एक्स माइनस आयोटा वाई, अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, रियल वैल्यूज एक्स आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस वन, तो ये प्लस वाई आ गया, तो रियल पार्ट है वाई, तो आप जस्ट वाई को टेक करेंगे, वाई इक्वल्स टू थ्री। थस द लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन हॉरिजेंटल, क्लियर, y की वैल्यू है तो आपने हॉरिजेंटल लिखना है, हॉरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू थ्री, क्लियर। पार्ट फाइव हमारे सामने है बेटा, z की जगह इसकी वैल्यू लिखें, सॉल्यूशन में आगे हम x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा होल मॉड इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा होल एब्सोल्यूट साइन, x प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, अंदर बेटा आ गया y प्लस वन और आयोटा कॉमन एब्सोल्यूट साइन, इन दोनों में से भी आयोटा कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा वाई माइनस वन और एब्सोल्यूट साइन। अब एब्सोल्यूट साइन को आप ओपन करेंगे, मीन मॉड ओपन करेंगे, तो रियल वैल्यू स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इधर भी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर होल इसका बेटा स्क्वायर रूट, क्लियर। अब इसका बेटा स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वाई, इधर भी बेटा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, क्लियर। अब बेटा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई की वैल्यूज को इस साइड पर ले आए और यहाँ पे वन भी कैंसिल, 2y प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, 4y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो बाय फोर दैट इज जीरो। तो अगर y का आंसर जीरो आ गया तो आपने लिखना है थस द रिक्वायर्ड लोकस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, क्लियर, ये हमारा फाइनल है। ओके बेटा सिक्स पार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जेड की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस थ्री होल मॉड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन होल मॉड इक्वल्स टू फोर, क्लियर। अब इसको आप अरेंज करके लिखें, रियल पार्ट है एक्स प्लस थ्री, इमेजिनरी पार्ट वाई, एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई, क्लियर, इक्वल्स टू फोर। अब एब्सोल्यूट साइन है तो आप इसका एब्सोल्यूट साइन ओपन करेंगे, मीन इसका मॉड ओपन करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इक्वल्स टू फोर। अब बेटा आप एक वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में आसानी होगी, तो एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट,
और इधर से आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या, यहाँ सिंगल वैल्यू है तो ये सिंगल वैल्यू से स्क्वायर रूट कैंसिल. अंदर आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई, फॉर्मूला ओपन किया प्लस वाई स्क्वायर. राइट साइड पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये 4a है और ये b है, इसका होल स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला ओपन करेंगे. तो यहाँ बेटा फॉर्मूला आप यूज करें a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू. क्लियर? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मजीद बेटा सिंप्लीफिकेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन अरेंज करके लिखा, इधर आएगा 16 प्लस ये सिंगल वैल्यू इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल. स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट, और इधर भी आप स्क्वायर ओपन कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल और बाकी जो ये वैल्यूज हैं 1, 2, 3 ये वैल्यूज आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो इधर आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 2x. क्लियर? प्लस 9 इधर से 16 और 1 17 इधर आके नेगेटिव, और राइट साइड पे आपके पास है माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? अब बेटा मजीद सिंप्लीफिकेशन है, 6x माइनस 2x दैट इज 4x माइनस 9 और 17 को माइनस करें दैट इज इक्वल्स टू 8. राइट साइड पे है माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? ओके बेटा, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ सकते हैं. आप कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड से 4, अंदर आ गया आपके पास एक्स माइनस 2, राइट साइड की वैल्यू एज इट इज 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? अब 4 टूज आर 8, ये कैंसिल, एक्स माइनस 2 राइट साइड पे माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अभी भी आपके पास स्क्वायर रूट में है एक वैल्यू तो आप दोबारा स्क्वायर लेंगे. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर. अब इधर से फिर से फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू 4x, इधर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 8x और इधर से प्लस 4x और प्लस 4y स्क्वायर और 4 दोनों तरफ से कैंसिल इज इक्वल टू 0. फाइनली आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x 4y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लोकस, विच इज रिक्वायर्ड लोकस. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट 7 के स्टूडेंट, 17 का 7 पार्ट सॉल्यूशन इसका, माइनस वन लेस इक्वल रियल ऑफ जेड, रियल जेड की जगह आप लिखें एक्स प्लस आयोटा वाई लेस वन. ओके स्टूडेंट, इसमें रियल वैल्यू टेक कर लें, माइनस वन लेस इक्वल एक्स लेस वन. ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज की रेंज है माइनस वन से लेके अप टू 1. माइनस वन को इंक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड नहीं करना. तो जिसको इंक्लूड करना होता है उसके साथ ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं करना उसके साथ ओपन ब्रैकेट. तो आप यहां पे लिखेंगे थस
द लोकस इज इन द इंटरवल, इन द इंटरवल बेटा माइनस वन से लेकर वन तक, ओपन जिसको इंक्लूड नहीं करना उसके साथ ओपन ब्रैकेट, कैलकुलस में 1.1 में आपने ये बातें सीखी हुई हैं बेटा, तो माइनस वन से लेकर वन तक, अप टू वन, ठीक है, लाइंग ऑन रियल एक्सिस, ये लाइन आप लिख लें, क्लियर, रियल वैल्यूज हैं इसलिए रियल एक्सिस, तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे हम टेक करेंगे, रियल इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, खाली इमेजिनरी ऑफ जेड, सॉरी इमेजिनरी ऑफ जेड, तो यहां पे आ जाएगा बेटा बाहर इमेजिनरी पार्ट आपने टेक करना है x प्लस आयोटा वाई में से, लेस देन जीरो, इमेजिनरी पार्ट इसका y है तो y लेस देन जीरो, रिक्वायर्ड लोकस, दिस रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड लोकस, ओके स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट लास्ट वाले डिफरेंट है, छोटे छोटे पार्ट है इसमें, जस्ट आपने ग्राफिकली इसको शो करना है, तो z यहाँ पे हमारा, मैं आपको समझाने के लिए बेटा ये बता रहा हूँ, z इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे, आपने हमेशा ज़ीरो के इक्वल लेना है z को, क्योंकि इसकी जो टेल है वो ओरिजिन से पास करती है, तो आपने z को इक्वल ज़ीरो करना है, तो z मतलब x प्लस आयोटा y, इसको आप लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, इसका मतलब x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो, इसका मतलब पॉइंट जो बन रहा है वो ओरिजिन से पास होगी लाइन, ठीक है, तो आप यहाँ पर शो करेंगे, एंगल हमारा पाई बाय थ्री है, दैट इज़ 60, तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज शो करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारे पास एंगल आ गया ओरिजिन से, इसको पास कराना है आपने लाइन ने, यहाँ पे आप पी रख लें, ठीक है, और ये एंगल है पाई ओवर थ्री, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ये लिखने की नीड नहीं है, तो आप जस्ट यहाँ पे लिख दें क्लियरली द रिक्वायर्ड लोकस is the half line, half line OP shown in the figure, clear, okay beta, last 10th part hamare paas hai, argument of z minus 1, अब z माइनस वन है हमारे पास, इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा, जहाँ से इसकी लाइन की जो टेल है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, जितने भी z खाली z सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो भी है वो ओरिजिन से बेटा पास करेगा, ठीक है, इस टाइम खाली z आ जाए तो, लेकिन इसमें z माइनस वन है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, तो माइनस एंगल है माइनस थ्री पाई ओवर फोर, ओके, देखिएगा z माइनस वन को हमेशा ज़ीरो के इक्वल आपने लेट करना है, ठीक है, लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो इधर आ गया z इक्वल्स टू वन, तो z की जगह आप लिखेंगे x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू वन, वन को आप लिख सकते हो वन प्लस ज़ीरो आयोटा, इसका मतलब x इक्वल वन है और y इक्वल है ज़ीरो के, तो पॉइंट बन रहा है वन ज़ीरो, इसका मतलब जो इस लाइन की जो लोकस की जो टेल है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x वन और y ज़ीरो, मीन ऐसे यहाँ पे बेटा 1 0 है, और इसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आए तो आप क्लॉकवाइज इसको लिखें, तो यहाँ पे एंगल आएगा 3π/4, मीन π/4 + π/4 + π/4, 3 × π/4 मीन ये 135 पे जाएगा, तो आप इसको क्लॉकवाइज ऐसे कर दें बेटा, तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा, टेल है 1 0, क्लियर, तो इसका एंगल बेटा यहाँ पे शो कर दें, दैट इज़ माइनस 3π/2, और ये P है, तो आप लिख दें क्लियरली, जैसे आपने पीछे लिखा है क्लियरली द रिक्वायर्ड लोकस, द रिक्वायर्ड लोकस हाफ लाइन ओ पी, ए कंसीडर कर लें, ए पी शोन इन द फिगर, क्लियर, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये लिखने की नीड नहीं है, तो यहाँ से ये लाइन पास करेगी, इसका जो ओरिजिन होगा वो होगा 1 0 पे, ओके बेटा, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह,
आप बहुत मेहनत करें, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।